मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लड्डू गोपाल की पूजा क्यों की जाती है। भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है? भक्तों, इसके पीछे एक रहस्य है। वो रहस्य भगवान श्री कृष्ण के भक्त की वजह से है, उसी की वजह से आज लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। ब्रज भूमि में कुंभन दास नाम के भगवान के बहुत प्रेमी भक्त रहते थे। उनका यह नियम था भगवान की प्रतिदिन आराधना करना, उनका भोग लगाना, उनकी सेवा करना। और कथा के इतने बड़े वक्ता थे, उनके बराबर कथा कहने वाले गिने चुने लोग थे। जब भी वो कहीं भागवत कथा कहने जाते थे तो आसपास ही भागवत कथा करते थे, जिससे भगवान श्री कृष्ण का भोग लगा के तब कथा में जाए। लेकिन एक दिन भक्त आ गया, वो कई काफी दूर का रहने वाला था, जहां से कुंभन दास आना जाना रोजाना नहीं कर सकते थे। उसने आराधना की कि हे ब्राह्मण देव, मुझे भागवत कथा करानी है। दूरी को देख करके कुंभन दास ने उससे मना कर दिया, बोले मैं आपकी भागवत नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की पूजा में बाधा पड़ जाएगी, मैं इनका भोग नहीं लगा पाऊंगा, इनकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। जब उस भक्त ने ज्यादा कहा, नहीं ब्राह्मण देव, मैं भागवत तो आपसे कर पाऊंगा, और मैंने मन में ये सोच रखा है कि मैं आपके प्रवचन सुनना चाहता हूँ और मेरे द्वारा, मेरे माध्यम बनने से वहाँ काफी लोगों का कल्याण हो जाएगा आपकी भागवत करवाने से। अंत में कुंभन दास ने स्वीकार कर लिया, चलो आपकी भागवत करेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के भोग लगाने के लिए उनका एक पुत्र था जिसका नाम रघुनंदन था, उसे बुलाया, बेटा इधर आ, मैं भागवत कथा करने के लिए जा रहा हूँ। आज से मैं तुम्हारे लिए सुबह भगवान के लिए प्रसाद तैयार करके जाऊंगा, क्योंकि उस भागवत कथा में हमें यज्ञ भी कराना है। यज्ञ कराने के लिए जब हम जाएंगे तो हमें जल्दी जाना पड़ेगा बेटा, तो भगवान का भोग हम नहीं लगा पाएंगे, उनकी आराधना नहीं कर पाएंगे, उनकी स्तुति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब मन एकाग्र होता है तभी किसी देवी देवता की आराधना की जा सकती है। रघुनंदन ने कहा, पिताजी आप चिंता मत करो, आप प्रसाद बना करके जाना और भगवान को खिलाना मेरी जिम्मेदारी रहेगी। ऐसा ही हुआ। कुंभन दास ने सुबह सुबह प्रसाद तैयार कर दिया, भागवत कथा में जाने लगे और इधर रघुनंदन को बुलाया, बोले बेटा ये प्रसाद रखा हुआ है, तुम भगवान का भोग लगा देना। उसने कहा ठीक है पिताजी। कुंभन दास चले गए, रघुनंदन ने वो थाल उठाया पूजा का और भगवान श्री कृष्ण के सामने पहुंच गए। बोले प्रभु जी, आज से मैं तुम्हारा भोग लगाऊंगा और एक दो दिन नहीं, कम से कम 7 दिन तक, क्योंकि पिताजी भागवत कहने के लिए गए और ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं उनकी तरह आपकी ज्यादा देर आराधना नहीं कर सकता, उनकी तरह आपको खिला पिला भी नहीं सकता, क्योंकि हम खुद बच्चे हैं। अब इसलिए जल्दी आ जाओ और भोग लगाओ, मुझे भी जाना है, मुझे भी खाना है। भगवान श्री कृष्ण कहाँ आए भोग लगाने के लिए, मूर्ति रखी हुई थी। बच्चा बार बार कह रहा था, काफी देर हो गई भगवान श्री कृष्ण नहीं आए, थाली में प्रसाद वैसा ही रखा हुआ था। अब तो बच्चा बहुत ज्यादा रोने लगा, श्री कृष्ण शायद मेरे पिताजी की ही बात मानते हैं, पिताजी के साथ साथ मैंने भी इनकी हमेशा पूजा की है, श्री कृष्ण आप मुझे नहीं मानते हो शायद, आप हमेशा पिताजी से स्नेह करते हो, इसलिए आज आप भोग लगाने के लिए नहीं आ रहे। बच्चा रोते 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 बेहोश हो गया। जब बच्चा रोते रोते बेहोश हो गया, भगवान से रहा नहीं गया। बोले मेरा ऐसा भक्त जिसके अंदर छन नाम की कोई चीज ही नहीं है, जो यही नहीं जानता कि भगवान नहीं आ सकते। आज जिस ये बच्चा, आज ये पवित्र आत्मा ऐसे छटपटा रही है मुझे खिलाने के लिए, मुझे जाना ही पड़ेगा। भक्तों, उसी समय श्री कृष्ण वहां पर बाल रूप में प्रकट हो गए और रघुनंदन के पास में आकर के बैठ गए। बोले रघुनंदन रो क्यों रहे? रघुनंदन रो करके बोले, रो क्यों रहे? तुम इतनी देर यहां बैठ करके दिखाओ तो तुम्हें पता चल जाएगा रो क्यों रहे हो। तुम तो रोते रोते बेहोश भी हो जाओगे, हम फिर भी रुके पड़े तुम्हारे खाना खिलाने चक्कर में, अभी तक खाना नहीं खाया है। बोले चिंता मत करो, मैं खाना खाऊंगा, फिर तुम रो मत, चुप हो जाओ। बच्चा इतना खुश हो गया, मानो उसे दुनिया की संपत्ति मिल गई हो। उसी समय रघुनंदन इतना गुस्सा, बोले आज तुम्हें खिलाऊंगा, ये तुम खुद खाओगे, उठा उठा उठा। भगवान बोले कोई दिक्कत नहीं, हम खाएंगे भी, तुम्हें भी खिलाएंगे। बोले नहीं नहीं, मैं तो खा ही नहीं सकता, ये प्रसाद पिताजी ने तुम्हारे लिए बनाया, मैं अपने घर में जाकर खाना खाऊंगा। बोले कोई बात नहीं। भगवान ने वो पूरा प्रसाद ग्रहण कर लिया, भगवान चले गए। उसके बाद शाम को कथा तय करके, कथा में ब्राह्म लगा करके, जब रघुनंदन के पिताजी कुंभन दास आए, बोले बेटा तुमने भोग लगा दिया था? बोले हाँ भोग लगा दिया था मैंने। तो बोले बेटा उसमें प्रसाद जो भी बचाओ मुझे भी थोड़ा दे दो। बोले प्रसाद? वो तो ऐसा कन्हैया, वो सारा ही खा गया, प्रसाद कहाँ से तुम्हें दे दें? कुंभन दास ने सोचा कोई नहीं, बच्चा है, बढ़िया प्रसाद बना होगा, इसलिए सारा प्रसाद खा गया होगा, कोई बात नहीं। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन भी यही हुआ,
अब तो रघुनंदन के एक बार कहने से वहां पर भगवान प्रकट हो गए, पूरा प्रसाद उन्होंने खाया और चले गए। शाम को मंदास आए, बोले बेटा प्रसाद मुझे भी दे दो। बोले पिताजी प्रसाद तो सारा खा गए श्री कृष्ण। अब तो कुम्मनदास ने सोचा ये लड़का बदमाशी कर रहा है, भगवान कैसे खा सकते हैं, हमारी तो पूरी जिंदगी निकल गई बुलाते बुलाते खिलाते खिलाते, आज तक उन्होंने कभी खाया नहीं। और इसके एक बार कहने से भगवान आए और भोग लगा करके चले गए। उन्होंने क्या किया, बोले आज अब कथा में नहीं जाएंगे, इस बच्चों को मुझे देखना है। उन्होंने बढ़िया से प्रसाद में लड्डू तैयार करे और लड्डू तैयार करने के बाद एक जगह छुप गए, लेकिन उस बच्चे से कह दिया रघुनंदन से कि मैं भागवत कथा कहने के लिए जा रहा हूं। बच्चा जैसे ही उठा भगवान श्री कृष्ण की आराधना की और बुलाया, आइए प्रभु आपके लिए भोग तैयार है। भगवान भागे हुए चले आए। जैसे ही भगवान ने भोग लगाना चाहा, प्रसाद ग्रहण करना चाहा जल्दी जल्दी में, और भगवान करते भी थे जल्दी खाने में, क्योंकि ये सीन दृश्य कोई देख नहीं पाए। भगवान कहां हर किसी को दर्शन देते हैं, दर्शन संभव ही नहीं है, लेकिन उस पवित्र आत्मा उस पवित्र बच्चे की वजह से भगवान वहां पर ग्रहण करने के लिए आते थे, प्रसाद इसलिए आते थे। इसलिए वो जब भी आते थे प्रसाद खाने में बहुत जल्दी करते थे। भगवान के एक हाथ में लड्डू था, दूसरे में जैसे मुंह में ले जाने वाले थे, उसी समय वहां पर कुम्मन दास ने देखा, ओहो ये तो साक्षात भगवान है। तुरंत बाहर राह नहीं गया उनसे, हमारी पूरी जिंदगी निकल गई, मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। तुरंत जैसे ही बाहर निकल के आए, भगवान के लड्डू एक मुंह में जाने वाला था, एक वो हाथ से थार में से उठा रहे थे, तो भगवान भी बहुत चक्के से रह गए। बोले ये कौन, इसने मुझे लड्डू खाते हुए देख लिया। बस उसी मोहिनी मूर्त की आज हमारे देश ही नहीं दुनिया में पूजा की जाती है। ये वही दृश्य था जब रघुनंदन की वजह से उसके पिताजी कुम्मन दास को भगवान के दर्शन हुए थे, वो भी प्रसाद ग्रहण करते हुए। भगवान जल्दी जल्दी में एक लड्डू थार से उठा रहे हैं और दूसरा लड्डू मुंह की तरफ ले जा रहे हैं। भक्तों ये वही दृश्य है और ये भगवान का वही रूप है जो कुम्मन दास के पुत्र की वजह से कुम्मन दास को दर्शन कराए, अपने बच्चे को गोद में भर लिया। बोले पुत्र हमारी पूरी जिंदगी निकल गई, मुझे कभी भगवान के दर्शन नहीं हुए, और तेरी वजह से आ तूने पिता का कल्याण कर दिया पुत्र। और भगवान की आराधना करने लगे, प्रभु आपने मेरे पुत्र की वजह से मुझे दर्शन दे दिया, आज मैं गदगद हो गया, अब मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, मैं आपका भजन कीर्तन करने के अलावा दूसरा कार्य नहीं करूँगा। भक्तों भगवान का ये वही दृश्य है, तभी से इन्हें लड्डू गोपाल कहने लगे हैं। कुम्मन दास ने इनका लड्डू गोपाल नाम दिया था, बोले अब हम आपको कृष्ण करके नहीं, आपको आसे में लड्डू गोपाल करके बुलाऊंगा और आपकी इसी रूप की मैं आराधना करूंगा। उसी दिन से केवल ब्रज में ही नहीं पूरी दुनिया में लड्डू गोपाल की पूजा होने लगी। ऐसा बताते हैं पुराणों में, ये वर्णन है, जो लड्डू गोपाल की आराधना करते हैं उनके घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहती है। भक्तों आप लोगों से एक ही निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ये जानकारी सभी भक्तजनों तक पहुंचाएं। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।